नमस्कार नीमच, नीमच टुडे में आपका स्वागत है। नीमच जिले को नई अफीम फैक्ट्री की सौगात मिली थी और यह फैक्ट्री जावर के पास जनकपुर में बनने जा रही थी, लेकिन इसको लेकर एक बड़ा बवाल शुरू हो गया है और यह बवाल है जमीन का। जी हाँ, जमीन को लेकर वन विभाग ने आपत्ति जताई और फैक्ट्री का काम रुकवा दिया, जिसको लेकर दो विभाग, राजस्व विभाग और वन विभाग आमने सामने हो गए। दो दिन से जमीन को लेकर बवाल चल रहा है। जनकपुर के पास जमीन आवंटित राजस्व विभाग ने उद्योग विभाग को कर दी थी और उद्योग विभाग ने जब अफीम फैक्ट्री बनाने वाली कंपनी को पजेशन में जमीन दी और सामान डालने का काम शुरू हुआ, तो मौके पर वन विभाग के रेंजर और अन्य अधिकारी पहुंच गए, जिन्होंने सामान अमन जब्त कर लिया और कहा कि यह जमीन वन क्षेत्र की है। इसको लेकर मामला और गहराया और यह मामला थाने तक पहुंच गया और जावद एडीएम व फॉरेस्ट रेंजर जावद के दोनों ने डीकेएन पुलिस चौकी में आवेदन दिए हैं। इस पूरे मामले में नीमच कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं और साथ ही एक संयुक्त दल गठित किया है जो कि सर्वे कर रहा है, लेकिन दोनों विभागों का अपना अपना तर्क है। राजस्व विभाग इस जमीन को राजस्व की बताता है तो वन विभाग इस जमीन को वन विभाग की। अब यह मामला पचड़े में पड़ गया कि फैक्ट्री कहां लगेगी और कैसे बनेगी जब तक के जमीन का मामला हल नहीं हो जाता। देखिए यह खबर। जावद तहसील के ग्राम जनकपुर के पास सीपीएस पद्धति के तहत नई अफीम फैक्ट्री खुलना प्रस्तावित है। इस फैक्ट्री के लिए जावद के राजस्व विभाग द्वारा 18.2 हेक्टेयर जमीन अधिकृत कर उद्योग विभाग को सौंप दी। उद्योग विभाग द्वारा फैक्ट्री के पेजेशन में जमीन देकर फैक्ट्री का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। इधर कार्य प्रारंभ हुआ उधर फॉरेस्ट रेंजर विपुल प्रभाकर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और जमीन को वन क्षेत्र का बताते हुए कार्य रुकवा दिया और साथ ही सामान भी जब्त कर लिया। यह जानकारी मिलने पर मौके पर जावद एसडीएम राजेश शाह भी पहुंचे। उन्होंने जमीन को राजस्व विभाग की बताया। दोनों अधिकारियों के बीच कहासुनी इतनी बड़ी कि मामला पुलिस तक पहुंच गया। जावद एसडीएम राजेश शाह और फॉरेस्ट रेंजर विपुल प्रभात करोलिया ने अपने अपने आवेदन दिए, जिस पर पुलिस जांच कर रही है। जमीन को लेकर विवाद बढ़ा तो कलेक्टर दिनेश जैन ने पूरे मामले को लिए एक संयुक्त जांच दल गठित किया और इस दल को सीमांकन करने के आदेश दिए। यह दल सीमांकन कर जमीन विवाद का सुलझाएगा। देखिए, जो भारत सरकार की ओपीएम की नई फैक्ट्री लगनी है उसके लिए जो जगह चिन्हित की गई है वो राजस्व विभाग ने परीक्षण के उपरांत और हमारे कार्यालय के द्वारा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को वो दी गई है और एमपीआईडीसी के द्वारा जो भारत सरकार के वेंडर हैं उनको दी गई है और अलॉटमेंट के समय तक उसमें कोई भी जो है वन विभाग की आपत्ति या इस तरह की कोई चीज़ें नहीं आई हैं। और अचानक वन विभाग के लोगों द्वारा अगर उसमें आपत्ति की जा रही है तो हम लोगों ने एक संयुक्त दल भी बनाया है दोनों विभागों का और उनको ये कहा है कि वो लोग रिकॉर्ड देखें और उसमें तय करें और अगर कोई उसमें दिक्कत आती है तो उसका उचित लेवल पे निराकरण किया जाएगा। ठीक है।